हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं रेस जेन लिमिटेड आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो चुका है, आज इसका सेकंड डे भी क्लोज हो गया है। कितना सब्सक्रिप्शन आया, क्या आया, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ साथ देखेंगे इसके अंदर कल के दिन में क्या करना चाहिए, क्योंकि कल इसका आखिरी दिन है, अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। सारी बातें, सारी चीज़ें इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और देखा जाए तो करीब करीब ये आईपीओ आज से 15 से 20 हज़ार तक का ही हमको प्रॉफिट देखने को मिला इस आईपीओ के अंदर। ज़बरदस्त इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है फिलहाल, जैसा भी रहा वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक कर देना, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके आप रेस जेन लिमिटेड आईपीओ के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और साथ साथ में जितने आईपीओ चल रही है उसके अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलो देखते हैं रेस जेन लिमिटेड आईपीओ का सेकंड डे। सब्सक्राइब, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें रेस जेन आईपीओ के लाइव स्टेटस के बारे में। तो ये आईपीओ आया भी और इसका सेकंड डे क्लोज भी हो गया आज। इसका सब्सक्रिप्शन क्या आया, लाइव स्टेटस क्या है वो देखेंगे। इसके अंदर सबसे खास बात है कि इस आईपीओ के अंदर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल का भी रखा गया था। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल के अंदर करीब करीब देखा जाए तो 0.75 टाइम सब्सक्रिप्शन आ चुके हैं, वन टाइम ये आईपीओ वर सब्सक्राइब होने को आया। और बात करते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की, तो करीब करीब देखा जाए 0.97 है, ये करीब करीब वन टाइम ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका है। पूरा पोर्शन नॉन इंस्टीट्यूशनल का भर चुका है सेकंड डे ही। और बात करते हैं हम जैसे आप जैसे रिटेल का, तो रिटेल की इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और रिटेल भी 1.44 टाइम ओवर टाइम सब्सक्रिप्शन आ चुका है। रिटेल देखा जाए करीब करीब डेढ़ गुना ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। और इसके साथ में तीनों कोटा देखा जाए तो अगर टोटल सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं तो वन टाइम इसके अंदर सब्सक्रिप्शन आ चुका है, सेकंड डे ये आईपीओ पूरा ही पूरा फुल सब्सक्राइब हो चुका है। चलो देख लेते हैं आईपीओ को और भी क्या डिटेल है। अगर आईपीओ को डे बाय डे सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट डे यानी 28 तारीख उसका फर्स्ट डे स्टार्ट हो गया था, 0.56 टाइम ही सब्सक्रिप्शन आया था। लेकिन आज 1 मार्च 2023 और आज के दिन देखा जाए तो ये आईपीओ वन टाइम ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका है। चलो बात करते हैं आईपीओ के डिटेल में। तो ये आईपीओ 28 तारीख से स्टार्ट हुआ था और 2 मार्च को ये आईपीओ क्लोज भी हो जाएगा। फेस वैल्यू करीब करीब इसका 10 रुपये पर शेयर्स रखा गया है और आईपीओ की जो प्राइस रखी गई है 45 रुपये से 47 रुपये के बीच में रखी गई है। अगर आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि कल इसका आखिरी दिन है, कल है 2 मार्च 2023 और जो हाईएस्ट प्राइस बैंड रखी गई है 47 रुपीज़ पर शेयर। तो 47 रुपीज़ का हाईएस्ट प्राइस के बैंड के ऊपर पर सब्सक्रिप्शन लो, 100% अच्छा खासा पैसे बना के दे सकता है ये आईपीओ, क्योंकि आईपीओ के अंदर ज़बरदस्त हमको ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल देखने को मिल रहा है। फिलहाल देखा जाए तो आईपीओ की बात करते हैं लॉट साइज़ के बारे में। एक लॉट के अंदर 3000 शेयर्स रखे गए, क्योंकि ये एक एसएमई आईपीओ है, छोटी कंपनी का आईपीओ है। जिसका इशू साइज़ के बारे में बात करते हैं, जो टोटल इशू जो इसका है 28 करोड़ 20 लाख का ये टोटल इशू है, जिसके अंदर फ्रेश इशू देखा जाए तो करीब करीब इसके अंदर फ्रेश इशू भी रखा गया है। चलो बात करते हैं इस आईपीओ के अंदर और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं। और बात करते हैं लिस्टिंग की, तो ये हमको बीएससी एसएमई पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये एक एसएमई आईपीओ है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ही ट्रेडिंग होती है। बात करते हैं इसके पीई की, दिखाए तो 27 के इसके पीई पे ट्रेड कर रहा है फिलहाल। बात करते हैं मार्केट कैप की, तो कंपनी की मार्केट कैप दिखाई 98 करोड़ की मार्केट कैप, यानी करीब करीब देखा जाए तो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 100 करोड़ की हो चुकी है। फिलहाल आईपीओ आने के बाद हो सकता है हमको और भी ज़्यादा देखने को मिले, करीब करीब 150 तक भी जा सकता है। फिलहाल बात करते हैं इसके कोटे के अंदर, तो इसका जो कोटा रखा गया बहुत स्पेशल कोटा रखा गया है, क्यूआईबी इसका क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल कोटा एसएमई आईपीओ में बहुत कम देखने को मिलता है। इसके अंदर भी रखा गया करीब करीब 50% रखा गया है। और बात करते हैं एचएनआईस की, तो 15% रखा गया है। और हम जैसे आप जैसे जो रिटेल है, रिटेल के अंदर करीब करीब 35% भी इसके अंदर रिटेल को पोर्शन दिया गया है, यानी रिटेल का कोटा भी 35% रखा गया है। चलो देख लेते हैं आज के डेट में क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम। बात करें रेस जेन आईपीओ के बारे में, तो इसके अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। आज के डेट में क्या मार्केट में ट्रेंड कर रहा है वो भी देखेंगे। बात करेंगे आज है 1 मार्च, आज का सेकंड डे था। करीब करीब देखा जाए तो डे बाई डे इसके अंदर हमको इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम पर तेजी देखने को मिली। 27 तारीख का ये 4% पे था, 28 तारीख को ये 5% पे चला गया था। आज का सेकंड डे सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो गया और आज के दिन में करीब करीब 6 से 7% हमको इसके अंदर प्रीमियम देखने को मिला। हम ये कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं, ये आईपीओ के अंदर करीब करीब 5 से 10% तक का हमको तेजी देखने को मिली। फिलहाल देखते हैं, जैसे भी रुझान रहा है वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और साथ साथ में बेल आइकन की बड़ी दबा देना, ताकि नई नई वीडियोस, नई नॉलेज की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके जो नया आईपीओ चल रहा है, मेन बोर्ड आईपीओ डिजिटल ट्रांसफर सिस्टम आईपीओ, उसके अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।